नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये 500 प्लस नंबर सीरीज़ की वीडियो में ये सेकंड वीडियो जिसमें हम 20 नंबर सीरीज़ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। मैं अभी से लेकर पूरे क्लर्क के पेपर तक डेली 20 नंबर सीरीज आपको लिए लाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट द नंबर सीरीज। फर्स्ट वन इज 17, 21, 30। देखिए, करना कुछ नहीं, मैंने आपको पहले से ही बताया था। नंबर सीरीज का सिंपल सा फंडा है कि डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, पहला डिफरेंस 4, सेकंड डिफरेंस 9, देन ब्लैंक, यहाँ पे डिफरेंस है 21 का, यहाँ पे डिफरेंस है 121 का। यानी इससे एक चीज़ पता चल रही है कि 4, 9 और 121 नथिंग बट इट इज़ स्क्वायर्स ऑफ नंबर। यानी ये 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछूं, यहाँ पे चीज़ें क्या आएंगी, तो आप मुझे बताइए 2, 9 एंड देन अगर मैं यहाँ पे एक 5 का स्क्वायर ऐड करता हूँ, 2, 3, 5 ऑल आर द प्राइम नंबर्स, बिकॉज 11 इज़ ए प्राइम नंबर, देन आएगा 25। अगर मैं ऐड करता हूँ 30 प्लस 25, देन इट विल बी 55। ये एक चांसेस हैं। अब अगर मैं 55 और 104 को देखता हूँ तो मुझे मिलता है 49, यानी 7 का स्क्वायर, जो एक और प्राइम नंबर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है, इसलिए इसका आंसर आएगा 55। इज़ इट क्लियर टू ऑल? लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा से समस्याएं रहती है कैसे इसे सॉल्व किया जाए। कभी आप इस साइड से स्टार्ट ना कीजिए, हमेशा पैटर्न पता करने की कोशिश कीजिए। मैं ये 2 क्लोज नंबर लेता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ इनटू 4 प्लस 2। तो इस हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो 228 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, यस 228 को अगर 28 के टर्म में मैं लिखूँ इंटू 4 प्लस 2 हो गया, देन इंटू 8 प्लस 4 अगर मैं लिखना चाहूँ तो शायद ये आएगा, ये इंटू 8 प्लस 4। यहाँ से एक चीज़ें कॉमन हो गई है जो आपको बहुत क्लियरली दिख रही होगी, मीन्स ये टर्म अगर इंटू 2 प्लस 1 आ गया तो अपना काम हो गया। देखिए, ये टर्म आप बहुत ध्यान से देखिए, 2.75 का अगर आप 2 करेंगे तो 5.5 आता है, यानी ये टर्म है इंटू 2 प्लस 1। अभी आप सोच सकते हैं कि ये क्या है पैटर्न, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 2, इंटू 8 प्लस 4, मीन्स ये पैटर्न होगा इंटू 1 प्लस 0.5, यानी यहाँ पे जो आना चाहिए वो आएगा इंटू 0.5 प्लस 0.25। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो आएगा माय डियर फ्रेंड्स 4। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आप 2.25 में से अगर आप रिवर्स जाते हैं तो 0.25 को अगर आप प्लस करते हैं तो माइनस करते हैं तो 2 आएगा, और 2 में आपको 0.5 से डिवाइड करना है तो 4 आ जाएगा। बहुत ही ट्रिकी नंबर सीरीज है ये। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट वन, 9400, 1111। डिफरेंस अगर आप इसकी कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस 6, देन 11, देन 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 21, देन 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 3 36। डबल डिफरेंस अगर आप निकालते हैं 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे है 15, तो इस हिसाब से यहाँ होगा 20, यानी 56 होगा। 168 में अगर आप 56 ऐड करते हैं, 8 एंड 6 14 1 3 एंड 5 8 एंड 1 9, एंड देन यू कैन से दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, 168 प्लस अगर आप 56 करते हैं, 8 एंड 6 14 कैरी 1 6 एंड 5 11 और 1 12 कैरी 1 1 एंड 1 2, यानी 224 इसका राइट आंसर होगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21, 24। करना कुछ नहीं, फिर से आप डिफरेंस निकालिए, 3, 8, यहाँ है 18, यस। बहुत ही ध्यान से आप देखिए, अगर मैं आपको डिफरेंस को बोलूँ तो 3 है, फिर 8 है,
फिर 18 है, अगर आप इनका फिर से डिफरेंस निकालते हैं, देखिए ये 5 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक 15 के चांसेस है, 18 एंड 5 33, अगर आप ऐड करते हैं तो 83 हो सकता है एक चांसेस, बट हमें रिवर्स चेक करना होगा, तो 83 और 7166 का कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है, यानी दो ही चांसेस हो सकते थे, या तो 5 10 15 होगा या फिर 5 10 एंड 20 होगा। अगर आप 20 करते हैं तो 18 प्लस 20 आएगा 38, एंड 50 प्लस 38 करते हैं तो 88 आएगा, 88 इज़ डबल है इसका। तो आप बहुत ध्यान से ऐसे नंबर से इसको आप कर सकते विद इन 10 to 12 सेकेंड। होप सो आपको क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 66, यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, 66, 212 242 254 एंड 2556। देखिए डिफरेंस निकालता हूँ मैं, 2 यहाँ पे डिफरेंस है 14 एंड 12 का, यहाँ डिफरेंस है 0 और 30 का, यस वंस मोर टाइम, यहाँ डिफरेंस है 10 का, यहाँ डिफरेंस है 18 का, और 10 और 8 18। अगर मैं इस बार 26 का डिफरेंस लूँ, मैं आपको फिर से यहाँ लिखता हूँ फिर से एक बार दोस्तों, 2 12 30, यहाँ डिफरेंस था 10 का, यहाँ था 18 का, यहाँ पे अगर मैं 8 और ऐड करूँ तो 26 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी 56 आना चाहिए, 56 यानी 212 माइनस अगर आप 56 करते हैं तो आंसर आएगा 156। देखिए ये सारे नंबर सीरीज जो है डबल डिफरेंस पे हैं, और मैं आपके लिए डेली ऐसे ही कुछ चैलेंजिंग नंबर सीरीज लेके आऊँगा, होप सो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है क्लर्क एग्जाम्स के लिए। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 66 28 85। अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि पहले ऐड किया जा रहा है फिर माइनस किया जा रहा है। 46 और 16 में क्या ऐड है, 19 ऐड है, इसमें क्या ऐड है आप देखिए, -38 ऐड है, आगे देखिए 28 और 85 में +57, अभी यहाँ से क्लियर होगा, 19 38 57 प्लस -76 करना पड़ेगा, 85 में से 76 अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर आना चाहिए 9, यस। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 1 2 1, देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, ये 1 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर, ये 21 स्क्वायर, ये 31 स्क्वायर, यहाँ जो होगा वो 41 का स्क्वायर होगा, 41 का स्क्वायर अगर आप करके देखें तो जैसा कि आप सबको पता है 41 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे मुझे बताइए, ये आएगा 1681। इसके दो तरीके हैं, 41 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करें देन आएगा 4 एंड 4 4 16 1640, उसमें अगर आप 41 ऐड कर दें तो आएगा 1681। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blank 12 25 46 77। पहले मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन को, बहुत आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, 2 12 25, इस क्वेश्चन को बनाने का एक वे है, आप इसका डिफरेंस को पहले कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ आएगा 13 का डिफरेंस, यहाँ पे है 21 का डिफरेंस और यहाँ पे है 31 का डिफरेंस, बहुत ध्यान से देखिए, 10 8, यहाँ पे 6 मतलब 7 होना चाहिए, 12 माइनस 7 आप रिवर्स जा रहे हैं तो यहाँ आएगा 5। होप सो ये क्लियर हो। देखिए नंबर सीरीज का एक सिंपल सा बेनिफिट है कि अगर आप स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं तो जब आप रिवर्स आएंगे तो आप माइनस करते हुए जाना है। नेक्स्ट प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 7 19 39 एंड 60 1 7 19 39 एंड 69, डिफरेंस अगर मैं निकालूँ 6 यहाँ पे 13 यहाँ पे 19 यहाँ पे 30, ये देखिए 7 6 11, वंस मोर एक बार फिर से अगर आपको डिफरेंस निकालना चाहूँ, पहला डिफरेंस है 6 का, दूसरा है 12 का, माफ़ कीजिएगा दोस्तों 12 का है, एंड देन है
वन प्लस सिक्स सेवन, ट्वेल्व प्लस सेवन नाइनटीन, देन है यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी डिफरेंस कैलकुलेट में गलती हो गई थी, और ये 39 है। वंस मोर टाइम अगर मैं आपको बोलूँ तो पहला डिफरेंस अगर आप इसे कट करते हैं, पहला डिफरेंस 6 का, दूसरा डिफरेंस 12 का, तीसरा डिफरेंस 20 का और चौथा डिफरेंस 30 का। देखिए 6, 8, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, नेक्स्ट 12 यानी 42 आपको ऐड करना है। 69 प्लस 42 अगर आप करते हैं, 9 to 11, 6 plus 14 and 1 11, यानी 1 1 11 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ रहा हो दोस्तों। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, 1 to 9 6 to 1 6। देखिए इसमें पहले आप डिफरेंस निकालिए, यहाँ डिफरेंस है 12 का, यहाँ डिफरेंस है 36 का, और मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, ये जो नंबर सीरीज आप इसे स्टार मार्क करके रखिए, ये एक डिफरेंट टाइप का नंबर सीरीज है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं चलने वाला है। यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन एंड सॉरी डिवीजन सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट के फर्स्ट के जो दो नंबर है वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले आप मुझे डिवीज़न करके बताइए क्या आएगा डिफरेंस। 1 to 9 6 और 2 1 6 अगर मैं करूँ तो इधर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 1 6 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 to 9 6 आएगा। 72 एंड 2 1 3 अगर मैं करके देखूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 to 9 6 को अगर आप मीन्स 1/6 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। 2 1 6 को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे आप इसे 2/6 से डिवाइड करोगे या 1/3 से तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए अगर मैं इसे बोलूँ तो ये आएगा 3/6 जिसे हम 1/2 बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है 4/6 जिसे 2/3 बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो आएगा वो 5/6 से आपको डिवाइड करना है, यानी यहाँ जो आंसर आएगा दोस्तों ये आंसर है 20, अगर आप 24 को 5/6 से डिवाइड करते हैं तो। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 36 54। यहाँ पे करने कुछ नहीं है, आप डिफरेंस निकालिए, 10 यहाँ पे डिफरेंस आएगा, 14 minus 6 8, 4 minus 3 1 18, यहाँ डिफरेंस आएगा 26 और यहाँ डिफरेंस आएगा 34 का। बहुत ध्यान से देखिए, 8 8 8 अगेन 8, तो यहाँ 42 यानी 4 2 6 5 1 यानी 156 विल बी द राइट आंसर। होप सो आपको यहाँ तक समझ रहा हो कि हमने कैसे किए ये सारे क्वेश्चंस को। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही कुछ नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इन सारे नंबर सीरीज को देख लिए, प्रैक्टिस किए, आप मेरे मेथड को फॉलो करो या ना करो, बस आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तो आने वाले एग्जाम्स में आपका कभी नंबर सीरीज को लेके फोबिया नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था पहले, फिर मैंने उस चीज़ को अपना बनाया। कभी कभी क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें करना क्या है, जैसे यहाँ देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको डिफरेंस में ही खेलना है, तो डिफरेंस देखिए 6 20, यहाँ पे अगर देखा जाए 2 and 30 42, 6 20 42, यहाँ डिफरेंस देखिए 14 का, यहाँ डिफरेंस है 22 का, 14 और 8 का डिफरेंस है, यहाँ आप 8 करेंगे तो 30 आएगा, यानी यहाँ डिफरेंस 72 का आएगा। 149 plus 72 किए, 9 to 11 carry 1 7 4 11 and 1 12, 2 2 1 विल बी द राइट आंसर। होप सो आपको यहाँ तक समझ चुका हो, इसमें कोई क्वेश्चंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 139 and 103 128 121। देखिए अगर आप क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखते हैं, 90 139, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, कुछ ऐड करना कुछ माइनस करना, क्या ऐड करना, 49 को ऐड करना, माइनस क्या करना, माइनस 36 को करना, फिर क्या ऐड करना, 25 को ऐड करना, तो यानी देखिए आप 7 square को ऐड करना, 6 square को माइनस करना, 5 square को प्लस करना, देन -4 square, यानी आपको करना है -16, 128 minus 16 यानी 112 विल बी द राइट आंसर। होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 2 3.75। देखिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे
तो मैंने आपको इसका मेथड बताया था कि जब भी ऐसे सीरीज हमें मिले जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर डबल के आसपास और सेकंड एलिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वो इन 2.5 से ही चालू होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूँ तो क्या है, पहला है 4 और 2 में इन 2.5 का रिलेशन, 2 और 3 में है इन 2.5 का रिलेशन, 3 और 7.5 में है इन 2.5 का रिलेशन, तो होना चाहिए इन 3.5 का रिलेशन। मीन्स अगर आप 77.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो करना आपको कुछ नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कैसे क्वेश्चंस को आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो आप देखिए, यस, आपको करना कुछ नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 7.5 इंटू आपको 3.5 करना है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 25, 7 3 21, और ये 5 को ऐड करना 26, और डेसिमल बीच में डाल देना 26.25। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 27 36 61 एंड 110। देखिए आप फिर से इसके डिफरेंस को निकालिए, 4 यहाँ नाव का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, तो क्लियर हो गया। यहीं से 2 3 4, यहाँ पे अगर मैं आगे जाके देखूँ तो ये देखिए 2 3 4, यहाँ क्या है, तो आप बोलेंगे 49 यानी 7 है, 2 3 5 एंड 7। अगेन आप ध्यान से देखिए, 2 3 5 7 इज़ अ प्राइम नंबर, नेक्स्ट विल बी 11 स्क्वायर, यानी 100 प्लस 121, दैट विल बी 221 विल बी द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी फिफ्टी टू फोर्टी सेवन। देखिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, तो एक चीज़ें पता चल रही है, ऐड और माइनस का सीरीज़ है। अगर मैं ऐड की माइनस की सीरीज़ की बात करूँ, प्लस 2, नेक्स्ट माइनस 3, नेक्स्ट प्लस 5, नेक्स्ट माइनस 7, देखिए फिर से प्राइम नंबर को ऐड किया गया, देन प्लस 11, यानी 43 प्लस 11 विल बी इक्वल टू 58 विल बी द राइट आंसर। तो ऐसे नंबर सीरीज आप विद इन अ सेकेंड्स, 5 6 10 सेकेंड्स के अंदर आप इसे बना सकते हो। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है 64 में, आपको देखिए वही चीज़ है जो मैं आपको बताया था, यहाँ से क्लियर है 0.5 है, यहाँ से क्लियर है 32 और 48 का रिलेशन इन टू 1.5 है, 48 और 120 का रिलेशन मैं बोलूँ तो इन टू 2.5 है, तो क्लियर हो गई। यहाँ जो आएगा 420 इन टू 3.5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना बहुत ही ईजी है। अगर मैं बोलूँ 420 इंटू 3.5 कितना होगा, तो वो आना चाहिए 1470। होप सो, सॉरी ये इंटू 4.5 होगा, क्योंकि 3.5 तो यहाँ पे है, 420 इंटू 4.5 आपको करना होगा। एक बार फिर से आप बहुत ध्यान से देखिए, आएगा आंसर 1890। मैं कैसे किया था, 64 और 32 में 0.5 है, 32 एंड 48 में 1.5 मल्टीप्लाई है, 48 एंड 120 में 2.5 मल्टीप्लाई है, 120 एंड 420 में 3.5 है, देन 420 इंटू 4.5 करना होगा। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 28 42 64। इस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ही ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, तो क्या आपके सामने कंक्लूजन निकल के आता है दोस्तों। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 21 28, आप पहले इसे प्लस करके देखिए, 7 देन 14 देन देखिए 42 और 64 करोगे तो 22 देन यहाँ पे देखिए 1 एंड 31, डिफरेंस देखिए 7 8 9, और फिर होगा 10 यानी 41 आपको ऐड करना है, 516 एंड 94 136 विल बी द राइट आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन आज का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 3 5 13 आगे क्या होगा, बहुत ध्यान से डिफरेंस को देखिए, 2 यहाँ डिफरेंस है 8, यहाँ डिफरेंस है 30,
यहाँ डिफरेंस है 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3 एंड 134 का डिफरेंस है। 177 माइनस 43 अगर आप करेंगे तो 134 का डिफरेंस है। बहुत ही देखिए इस चीज़ को अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, तो आप इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे अगर आपसे पूछा जाए। इस क्वेश्चंस को फिर से अगर मैं डिफरेंस एक बार देखूँ तो यहाँ पे 40 है दोस्तों, एक बार गलती हो गई थी, 2 एंड 40 2 एंड देन 8 एंड देन सॉरी 30 ही है, 2 8 एंड 30 है, 3 5 13 43 एंड 177 था क्वेश्चंस। मैं आपको फिर से एक बार लिखूँ, 3 5 13 43 एंड 177 था, आगे क्या था, ब्लैंक था। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ डिफरेंस है 30 का, तो इस क्वेश्चंस को आप बताइए मुझे कैसे करेंगे। आगे जो डिफरेंस है 134, 177 माइनस 43 अगर आप करते हैं तो आंसर आएगा 134। नेक्स्ट डिफरेंस है 134 का। बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं तो इनका डबल डिफरेंस आप निकालिए, 6 यहाँ आएगा 24 का और यहाँ डबल डिफरेंस आएगा 104 का, ठीक है, 6 24 एंड 104। बहुत आप ध्यान से देखिए 6 और 24 में क्या रिलेशन है, इंटू 3 प्लस 6 का है, 24 और 104 में क्या है, इंटू 4 प्लस 8 का। आगे जो रिलेशन होगा वो क्या होना चाहिए अगर मैं आपको बोलूं तो दोस्तों वो होना चाहिए इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10 का रिलेशन होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, मीन्स 134 इंटू 5 मैं करूँ तो आएगा 675 प्लस 10 करूँ तो 685 आपको ऐड करना है। बहुत ध्यान से आप देखिए 177 में आपको 685 अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 862। होप सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ हो ये डबल डिफरेंस में हमें पता चलता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फॉर नेक्स्ट यू कैन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आज से लेकर IBPS क्लर्क के एग्जाम्स तक सारे आपको डेली के लिए नंबर सीरीज 20 लेके आऊँगा, ताकि IBPS क्लर्क में कोई भी नंबर सीरीज बिना पढ़े हुए ऐसा कोई नंबर सीरीज हमें ना मिले। धन्यवाद दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया हूँ मैं अनअकैडमी पे ऑलरेडी हूँ, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, आशुतोष तिवारी ASHUTOSH TIWARI। गुड लक टू योर फ्यूचर एग्जाम्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।